अस्सलाम दोस्तों, आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में मोहम्मद बिलाल हाजिर है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विलेज लाइफ में सब काम करने पड़ते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अब सब्ज़ी लेने के लिए जा रहा हूँ, जो शाम का खाना बनाना है। उसके लिए तो हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने सब्ज़ी काफ़ी लगा रखी है, तो मैं आपको वहाँ जाके सब्ज़ी का भी विज़िट करवाता हूँ और देखता हूँ मैं कितनी लेके आता हूँ और कितने की लेके आता हूँ और क्या प्राइस है सब्ज़ी की। जी दोस्तों, मैं अब इस जगह पर हाजिर हुआ हूँ। ये जगह है राणा लियाकताबाद, ठीक है। ये भाई हैं राणा ज़ुबैर, इन्होंने ये सब्ज़ी लगा रखी है। अब मैं इनके पास पहुंच गया हूँ, अब इनसे मैं बात करता हूँ। यहाँ पे हमारी बेसिकली जो लैंग्वेज है वो है सराइकी। मैं अब इसे सराइकी में बात करूँगा और सब्ज़ी का रेट पूछूँगा, कितने किस तरह किलो है तूरी का और कद्दू का। और भी इन्होंने काफ़ी सारी सब्ज़ी लगा रखी है, टमाटर, करेला वगैरह, सारा सब कुछ इन्होंने लगा रखा है। हाँ जी ज़ुबैर भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है भाई। अच्छा, ये कद्दू का की में रेट है, तो की में किलो लेने पे 3 रुपए किलो जी। अच्छा जी, ते की में कद्दू माशाल्लाह ठीक है थोड़ा, मैं को तो अच्छा नजर आने पे फसल थोड़ी मुंह अच्छी है सब्जी। अच्छा जी, ये नाल जेडियां तुसा तूरियां लाइया होयां ने, ये की में किलो है जी? ये 50 रुपए किलो है जी। 50 रुपए तूरी किलो है। अच्छा, ये मंडी दा रेट है या इथू दा रेट है? इथू दा रेट है मंडी। अच्छा, मंडी दा मुख्तलिफ रेट होंदा है। अच्छा, बाकी तुसा करेला ते जेड़ा टमाटर लाया है उसदा की में रेट है? करेले दा 50 रुपए। अच्छा, करेले का 50 रुपए, टमाटर का 40 रुपए जी। ठीक है जी ज़ुबैर भाई, हूँ तुम मेरे को सब्जी दे सो जी 3 रुपए किलो आखा जी, मैं को 2 किलो कद्दू दे सो जी। ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं राणा आरिफ से बात करूँगा, उर्फ उस्ताद मुन्ना। ये तूरी जो है ये तोड़ रहे हैं तूरी, तो अब मैं इनसे भी बात करूँगा कि अब ये तूरी कैसे तोड़ी जाती है, कितनी इसमें आसानी है और कितना मुश्किल है। ये तूरी का जो है इन्होंने जाल लगाया हुआ है, नेट इसके ऊपर तूरी लगाई हुई है। इसके ऊपर तूरी की जो फसल है बहुत अच्छी होती है और फल फूल बहुत ज़्यादा लगता है, माशाल्लाह अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है जी? ठीक ठाक ही वे, कैसे तुम्हारी फसल तूरी दी जी? अच्छी है जी, चलो माशाल्लाह आंधी भी अच्छी नज़र पई है। ठीक है जी, इन को कोई मुश्किल तो नहीं त्रोड़न दे विच या कोई मतलब मुश्किल ज्यादा या कोई कोई जाल दी बड़ी सहूलत है। अच्छा जी, ए जेड़ा तले तुसा लेंदे वे उस दी निस्बत ए बेहतर है? अच्छा, इस दी औसत ज्यादा आंदी है। ठीक है जी, माशाल्लाह अच्छी फसल नजर आंदी पई है। अगू करेला भी लगा होया है ते नाल टमाटर भी लगा होया है, टमाटर तले लगा होया है ते करेला जी। दोस्तों, इन्होंने एक और फसल भी लगाई हुई है, ये मिर्च है, सब्ज मिर्च, हरी मिर्च जिसे बोलते हैं। तो ये पौधा तो मुझे खुशहाल नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी काफ़ी सारे पौधे जो हैं ये इनको वायरस लग गया, ये वायरस की वजह से देखिए सारे खराब हो गए, ये देखिए सारे गल सड़ गए। तो अब ये पौधा तकरीबन ठीक है, तो इस वायरस का स्प्रे भी इन्होंने किया है 3-4 मरतबा, लेकिन कोई इसका फ़ायदा नहीं हुआ, वायरस ने हमला इसके ऊपर काफ़ी सारा कर लिया था। तो अब इसके ऊपर स्प्रे जो है वो इसके ऊपर कोई असर नहीं दिखा रहा। जी दोस्तों, अब मैंने सब्ज़ी ले ली है 2 किलो। ये वैसे इन्होंने इसके ऊपर कोई तोल नाप तोल नहीं की, वैसे इन्होंने कोई मतलब वैसे अंदाजे से दे दिया मुझे। अब 2 किलो से तकरीबन ज़्यादा ही नज़र आ रही है, कम नहीं है। चलो, इनका तजर्बा भी है वैसे, 2 किलो से थोड़ी ज़्यादा होगी। तो और इलाके वालों के साथ ये बहुत ज़्यादा तावन करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फसल भी बहुत अच्छी है। चलें दोस्तों, आज के व्लॉग के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़।